शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन बिल पारित हुए, जिसमें अहम रूप से नशे को लेकर सख्त कानून का विधेयक पारित किया गया, जिसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा, लेकिन सदन में इसे पारित कर दिया गया है। सरकार के इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने सहमति जताई और सिंथेटिक ड्रग चिट्टे के खिलाफ कड़ी कदम उठाने पर बल दिया। वहीं कॉमरेड राकेश सिन्हा ने कहा कि सिंथेटिक ड्रग और चिट्टे के लिए अलग कानून बने। इस बिल के पारित होने के बीच कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ने भांग की खेती को लीगल करने की मांग उठाई। भांग की खेती को दवाई के रूप में इस्तेमाल करने की भी मांग रखी गई है, जिस पर कुछ कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। इसके तहत नशे के सौदागर पकड़ में लिए जाएंगे, यदि इसकी गलत इस्तेमाल किया जाता है तो। इस चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि समाज के सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि इस तरह का बिल लाना जरूरी है। कानून हमारे पास है, लेकिन उसका डर नहीं बचा है। जो गुंजाइश कानून में रह गई है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब जमानत देने से पूर्व सरकारी वकील को सुनकर कोर्ट अपना फैसला देगा। 10 ग्राम तक के नशे के मिलने की सूरत में कम से कम 6 माह की कैद का प्रावधान है। इस कानून को केंद्र भेजना पड़ेगा, उसके बाद लागू होगा। कानून के सख्त प्रावधान से नशे के सौदागरों में खौफ होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत महत्वपूर्ण सारे बिल थे और उन पर चर्चा भी काफी, आम तौर पर जो बिल प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें चर्चा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बहुत सार्थक चर्चा भी है और चर्चा के बाद उनका पारण हुआ है। उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बिल जो है हमारा, जो ड्रग्स का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उसमें कानून में सख्ती करना, उसको गैर जमानती करना, जो कमर्शियल क्वांटिटी का एक इश्यू था, उससे कम मिलती थी तो उसमें आसानी से जमानत देने का प्रावधान था, तो उस प्रावधान को सख्त किया गया है। विरोध नहीं कर रहे हैं और जो नशे को लेके बात है, और हम जितना भी सख्त और स्ट्रिंजेंट कानून बनाया जा सकता है, हम इसके पक्षधर हैं। जितना करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये तो अभी सेंटर को जाएगा, सेंटर क्या रुख अपनाता है, सेंट्रल एक्ट है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब तक कोई कानून की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मुख्यमंत्री प्रदेश के पुलिस प्रमुख को डायरेक्शंस दें कि जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं या जो चिट्टा है, इसकी जो जमानत थाने में ले रहे हैं, थानों का अधिकार खत्म कराया जाए और वो थाने में कोई जमानत ना। हिमाचल प्रदेश गौवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक पारित किया गया। इसके तहत राज्य में गांवों के प्रशिक्षण, संरक्षण और उनके कल्याण के लिए गौ सेवा आयोग स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश निपेक्षकों के हित पर संरक्षण संशोधन विधेयक भी सदन में पारित किया गया। इससे चिट फंड जैसे धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल लगेगी, इसमें दोषियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद विधेयक 2018 पुनः स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रस्ताव मॉल और सेवा कर विधेयक पारित किया गया। इसके तहत अब 10 लाख की जगह 20 लाख लिमिट की गई है, जो व्यापारियों के लिए लाभदायक होगा। सदन में 75 लाख की लिमिट को भी 1 करोड़ करने की मांग उठी। एक प्रस्ताव जो है, हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी देश की रक्षा सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो कारगिल है, कारगिल के अलावा और भी जितने भी आज तक ऐसी परिस्थिति आई जहां देश को लड़ने की आवश्यकता पड़ी, वहां हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे सैनिकों का। उस दृष्टि से हमारी मांग है कि पिछले कुछ अरसे से जो प्रदेशों की जो रेजिमेंट्स बनती थी उन पर रोक लगा दी कि अब प्रदेश के नाम से नहीं होगी, तो हमने कहा कि प्रदेश का नाम, हिमाचल का नाम मत करिए भले चाहे, लेकिन उसके साथ साथ में इसको हिमालयन अरेंजमेंट करिए। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की ओर से हमने आज सरकार अभियान बड़ा अभियान चलाए थे, और उसी के साथ साथ में हम इस दृष्टिकोण में को भी समर्थन दें, साथ दें, वो उचित नहीं लगता आज की परिस्थिति में। लेकिन उसमें जो टेक्निकल चीजों को लेकर के अध्ययन की दृष्टि से हमने कहा है अधिकारियों को कि वो अध्ययन करें। कुछ एक प्रदेशों में सारा इस प्रकार से किया जाता है कुछ जगह, लेकिन वो अलग हट करके कुछ चीजें हैं उसमें, और मुझे लगता है कि भांग की खेती करने की इजाजत नहीं है। और वो हैंप की वो जिक्र कर रहे हैं, कैनबिस और हैंप की बात कर रहे हैं,
तो उसमें मुझे लगता है कि उस बात को लेकर के अब जल्दबाजी करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय राफेल के मामले में आया और उससे बड़ा स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक मकसद से सारे पिछले कुछ अरसे से अनावश्यक रूप से विपक्ष और विशेष तौर से कांग्रेस के लोग उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण विराम लगा दिया, न SIT गठित करने की उसमें आवश्यकता है और न ही उस पर प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए पारदर्शी ढंग से वो सारी व्यवस्था की गई और उसके साथ साथ में उसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा साफ और स्पष्ट संदेश जो है पूरे विपक्ष को, जो अनावश्यक रूप से राजनीतिक मकसद के साथ शोर डालने की कोशिश कर रहे थे, उस पर पूर्ण विराम।